नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन कुंचन लेकर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा शिमला मिर्च की बहुत ही स्पाइसी सब्जी। आपने एग करी तो बहुत खाए होंगे अंडा करी, लेकिन इस तरह का स्पाइसी एग करी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इस तरह से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं एग करी, एक शिमला मिर्च करी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 अंडे ले लिए, इसे मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने की मैंने विधि बताया हुआ बहुत ही आसान तरीके से, कैसे कुकर में एक सीटी लगाकर इसे बॉयल किया जाता है। और बॉयल करने के बाद जब ठंडा हो गया तो मैंने इसे छील लिया है, और देखिए चाकू से मैंने इसे कट कर लिया ताकि ये उड़े नहीं। और यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, इसे इस तरह से कट कर लिया है, ग्रीन वाला, और एक रेड वाला लिया है। आपको अगर सिर्फ ग्रीन वाला हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो वो डाल सकते हैं। मुझे दोनों कलर पसंद है इसलिए मैंने रेड वाला भी लिया है और ग्रीन वाला भी लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसे बारीक मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे 7-8 लहसुन की कलियाँ ली है, इसे मैंने इस तरह से कूट लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, इसे भी मैंने बारीक घस लिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। मैं एक को सेलो फ्राई करूँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस तरह से, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, कलर बहुत ही अच्छा आएगा फ्राई होने पर। और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ नमक, और इसमें मैं डाल दूँगी अब एग। मैंने बॉयल करके रखा था, देखिए एग कैसे फ्राई हो रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से पलटे हुए चारों तरफ से अच्छे से पका लूँगी, हल्के लाल हो जाए उसके बाद मैं निकालूंगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो जब तक एग फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखा देती हूँ। मैंने कुछ छोटे मसाले लिए हैं, यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने गोल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है, 1/6 चम्मच। ये इससे तीखा नहीं होता, नहीं कलर बहुत ही अच्छा आता है। चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्राई हो गया है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो देखिए को मैंने निकाल लिया, और सेम पैन में मैंने 1 चम्मच और तेल डाल दिया, पहले से थोड़ा तेल बचा हुआ था तो सेम पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म है तो मैं इसमें फ़ौरन डालूँगी जीरा, और इसे थोड़ा सा चटकने दूँगी, और साथ ही मैं डाल दूँगी तेज पत्ते। तो जीरा लगभग चटक चुका है, तब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन जो मैंने बारीक कट करके कूट कर रखा था, और साथ ही मैं अदरक डाल दूँगी। और दोनों को हल्का 2 से 3 सेकंड के लिए भून लूँगी मैं। तो 3 सेकंड हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और साथ ही मैं डाल दूँगी हरी मिर्च जो मैंने लिया था बारीक कट करके, और इसी के साथ मैं डालूँगी इसमें करी पत्ते कुछ। करी पत्ते से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और करी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसे मैं डाल दूँगी, इसे अच्छे से मिला दूँगी। और मिलाने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से और जल्दी गल जाए और लाल हो जाए। तो डाल दिया मैंने, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी और इसे भूनूंगी जब तक प्याज मेरा अच्छे से लाल नहीं हो जाता। देखिए प्याज अगर लाल हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने टमाटर बारीक कट करके रखे थे, इसे अच्छे से मैं मिला देती हूँ। तो 1 से 2 मिनट में इसे भी पकने देती हूँ। तो देखिए ढक कर मैंने टमाटर को 2 मिनट पकाया है, लगभग पक चुका है टमाटर। तो अब मैं इसमें जो मसाले मैंने सूखे लिए थे, धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, इन सभी को मैं इसमें डाल दूँगी एक साथ, और डालकर अच्छे से मैं मिला दूँगी। जैसे देखिए मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया, अब मैं इसे ढक देती हूँ, और ढक के 4 से 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी तक मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इस चीज़ में चलाते हुए। और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी।
तो देखिए 5 मिनट का लगभग हो चुका है मसाला भूनते हुए, बिजली पे मैंने भूना है इसे चलाया है। तो देखिए ऑयल किस तरह से मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी इस स्टेज में जो मैंने शिमला मिर्च कट करके रखा था, ग्रीन वाला और रेड वाला, इन दोनों को मिला देती हूँ। तो मिला के 2 मिनट इसे भी भूनूंगी, इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता है क्योंकि बहुत मुलायम होता है, तुरंत पक जाता है। तो 2 मिनट में मिला के ढक के इसे पकाऊँगी। तो 2 मिनट हो चुका है, देखिए शिमला मिर्च भी लगभग पक चुका है, मुलायम हो चुका है। तो अब इसे इसमें मैं डालूँगी, इसमें जो मैंने एग फ्राई करके रखा था इसे डालकर इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ। 1 मिनट इसे भी अच्छे से मिला कर पकाऊँगी ताकि मसाले से अच्छे से मिल जाए। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने मसाले को मिला दिया है, 1 मिनट पका लिया है, इतना अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो ड्राई इस तरह से भी स्पाइसी एक कैप्सिकम करी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी 1 कटोरी के लगभग, क्योंकि तो मुझे थोड़ा हल्का ग्रेवी वाला पसंद है। तो मैंने 1 कटोरी के लगभग पानी डाला है इस कटोरी से। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है, तो मैं इसे ढक देती हूँ ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए कितना अच्छा से उबाल आ गया है ग्रेवी में, इतना अच्छा लग रहा है देखे कलर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला दूँगी। लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इसे मैंने मिला दिया है और मैं गैस ऑफ करती हूँ और इसे सर्व करूँगी। आप रोटी पूरी पराठे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं अब गैस को ऑफ करती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर, एक करी कैप्सिकम एक करी। तो इस तरह से आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख मेरे मुँह में तो आई होप पानी आ रहा है। आई होप कि आप सभी के भी मुँह में पानी आ रहा होगा इसे देखकर। और तब फटाफट बनाकर इसे खाना पसंद करेंगे और घर वाले भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।